hello dear student good morning this class for um, class 9 subject geography uh, our topic is inland drainage lake we were discuss about uh, the lake system lake of india types of lake how many types of lake uh, we were already discuss in the previous video uh, about the lakes uh, there are four types of lakes वन इज ग्लेशियर लेक एंड इज ओक्सबो लेक देन द लेगून लेक्स एंड टुडे इज़ द इंग्लैंड ड्रेनिश लेक्स सो वेलकम टू आफ्टर लॉन्ग ब्रेक टू द क्लासेस सो वी व रिवाइज द टॉपिक लेक्स यहाँ पे देखें आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान दें आप लोग कि ये था हमारे पास ओक्सबो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ईसर टर्न और ट्विस्ट खासकर मियंडर के साइड में इरोजन और डिपोज़िशन की वजह से एक ट्विस्ट लूप बनाते हैं उस ट्विस्ट लूप को हम क्या कहते थे मियंडर यानी ओक्सबो कहते थे ठीक है फिर इसके बाद हमने आप लोगों को लेगुन्स लेक के बारे में बताया था ग्लेशियर लेक के बारे में उससे पहले भी बताया आप लोगों को हमने लेगुनस लेक खासकर कोस्टल एरियास में ओशन और सीस के सामने बहुत ज़्यादा ख़ास कर उनकी सेडिमेंटेशन डिपोजिट उनकी किनारों पे ख़ासकर कोस्टल एरिया में आ, सेडिमेंटेशन डिपोजिशन होने की वजह से बेक साइड में इंग्लैंड के यहाँ पे एक बे जैसा बन जाता है उसको हम लेगुन्स कहते हैं तो लेगुस है, ख़ासकर सॉल्ट सॉल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है क्योंकि सीज और रोशन की वजह से वहाँ पे सॉल्ट डिपोज़िशन बहुत हो जाता है खासकर हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर चिलिका लेक पुलिकित लेक कुलारू लेक जैसे आप लोगों को बहुत सारे जगहें हमने दिखाया था आप लोगों को सो so जो हमारा टॉपिक है आज का वो हमारे पास है इनलैंड ड्रेनेज लेक आप लोग एक बार ज़रूर देख लें इनलैंड ड्रेनेज लेक कैसे बनता है वो आप लोगों को दिखाएंगे ठीक है सबसे पहले तो आप लोग एक बार यहाँ देखें फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी आप लोग देखें यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से कोई आ, रिवर आ रहा है पहाड़ों से यहाँ भी कोई रिवर आ रहा है यहाँ से भी कोई स्ट्रीम आ रहा है यहाँ से भी कोई स्ट्रीम आ रहा है तो इन सारे रिवर की वजह से एक इंपाउंडमेंट क्रिएट हो जाता है उनके बीच में इन रिवर ड्रेनेज की वजह से कहीं जगह पे इम्पाउंडमेंट क्रिएट हो जाता है उस इंपाउंडमेंट को हम बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज लेक्स यानी इनलैंड पे एक ड्रेनेज सिस्टम जैसा जगह बनाया ड्रेनेज जाने का उस ड्रेनेज में एक लेक की क्रिएशन हो गया यानी एम्पाउंडमेंट की क्रिएशन हो गया उस एम्पाउंडमेंट में पानी आने की वजह से उसे हम इनलैंड ड्रेनेज लेक कहा जाता है अब आप लोग ये देखें कि ख़ास कर ये इसको हम आर्टिफिशियल लेक भी कहा जा सकता है ठीक है क्यों आर्टिफिशियल लेक कहा जा सकता है वो बोले तो आप लोगों को आ, देखो फॉर एग्जांपल भोपाल भोपाल को सिटी ऑफ लेक कहा जाता है सिटी ऑफ लेक यानी पूरे लेक सेवन लेक है वहाँ पे सात ऐसे लेक है भोपाल के अंदर जो बड़े खूबसूरत और उनमें से दो बड़े बड़े खास कर क्रिएशन ऑफ लेक्स तीन लेक्स को आर्टिफिशियल लेक के द्वारा बनाया गया फ़ॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि भोपाल अगर आप लोगों को देखा जाए तो इस तरह है देखो भाई इस तरह भोपाल की क्रिएशन है यानी हर साइड से बहुत सारे प्लेटिव रीजनस हैं नॉट माउंटेंस मोस्ट प्लेटिव रीजन उन प्लेटिव रीजन से छोटे छोटे स्ट्रीम्स निकलते रहते हैं ठीक है तो इन ये स्ट्रीम्स खासकर भोपाल के ये वाला एरिया जब भी आप देखो तो भोपाल में चढ़ाई पे एक माउंटेन पे हैं ठीक है माउंटेन ना बोले हम प्लेटिव रीजन ही बोलें उनको ठीक है क्योंकि सेंट्रल इंडिया में भाग के अंदर आता है प्लेटिव रीजन में पेनसुलर प्लेटिव के अंदर तो इस तरह यहाँ से स्ट्रीम्स आते रहते हैं ठीक है यहाँ से स्ट्रीम्स आने के कारण कि भोपाल में पहले ही यहाँ पे एक आर्टिफिशियल की क्रिएशन किया था एक को बोलते हैं अपर लेक दूसरे को बोलते हैं लोअर लेक अब हुआ क्या था कि इस लेक की क्रिएशन ये जो माउंटेन्स या प्लेटिव रीजन था यहाँ से स्ट्रीम्स आ रहे थे तो पहले जो वहाँ पे रूल्स करने वाले हैं राजाएं शासन बहुत ज़्यादा थे आप ओल्ड भोपाल में जाओगे तो अभी भी वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पटोदी खानदान से जो भी बिलोंग करते हैं राजाओं के फैमिली से उस वक़्त और वहाँ के उस वक्त के लोगों ने क्या किया, किया कि क्यों ना यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक की क्रिएशन कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल भाग में ड्राउट का माहौल बहुत ज़्यादा आ जाता है जब भी वहाँ पे बारिश अगर नहीं आ पाती तो उस वक्त ड्राउट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उन लोगों ने क्या किया कि, कि इरीगेशन फैसिलिटी को सही कराने के लिए यहाँ के जितने सारे किनारे हो उसको डिक करना शुरू कर दिया ठीक है डग करके ये ये जो पूरे किनारे हैं यहाँ से डग करके इसमें एम्पाउंडमेंट क्रिएट कर दिया ठीक है एम्पाउंडमेंट बड़े से एरिया को छोटे एरिया नहीं बड़े से एरिया का वहां बोपाल, बोपाल, आप अगर वहाँ जाओगे भोपाल में ओल्ड भोपाल में अपर लेक आएगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा लेक है वहाँ पे और ऊपर से लिखा हुआ है ठीक है सिटी ऑफ लेक कहा लिखा हुआ वहाँ पर आप लोग और वहाँ पर उसके सामने ही एक आप लोगों को नेशनल पार्क भी मिलता है ठीक है अपर लेक के जस्ट नज़दीक आप लोगों को शेर सपाटा भी है नेशनल पार्क्स भी है बहुत अच्छा खूबसूरत जगह आप लोग जाके देख लें आप लोग तो यहाँ पे एक एम्पाउंडमेंट क्रिएट किया गया फिर धीरे धीरे क्या किया कि यहाँ से जितने स्ट्रीम के पानी आते थे छोटे छोटे धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता था ठीक है तो इनकी वजह से यहाँ से बहुत सारे जगहों को इरीगेशन फैसिलिटीज़ ड्रिंकिंग वाट पर्पस के लिए पानी बाथिंग के लिए और खास कर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए पानी यहाँ जिससे छोटे छोटे ले गया है सो so, उन सारों को बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर वो किसकी वजह से बना हुआ है कि रिवर की पानी की वजह से बना हुआ है खासकर सांभर लेक एक लेक है जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम हम कह सकते हैं दे आर समाइम सीजनल फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखो हमने अभी आप लोगों को बोला कि हम लोग आप लोगों को बोला कि हमने कि ये एक सीज़नल सीज़नल कैसे बनेगा फ़ॉर एग्जांपल अभी हमने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे माउंटेन जैसा एक उन्होंने आर्टिफिशियल लेक बना दिया या ख़ुद से बन गया फ़ॉर एग्जांपल इन नेचुरल बन गया सीजनल क्यों बनता है फॉर एग्जांपल अगर बारिश का पानी ज़्यादा आने लगा भाई बारिश इस साल ज़्यादा हुआ तो उसमें क्या हो जाएंगे उस स्ट्रीम्स में पानी आने के कारण उस रिवर में पानी आने के कारण वो यहाँ जमा हो जाएगा अब इस रिवर में पानी ही नहीं है बहुत सारे ऐसे ख़ासकर हमारे पेनिनसुला रिवर है और वेस्टर्न कोस्टल के एरिया के जो सारे रिवर है वहाँ के जितने सारे रिवर है वो सब सीजनल है सिर्फ हमारे पास कुछ ऐसे रिवर है जो पेरिनियल रिवर है यानी साल भर के लिए जो अन के लिए बहते रहता है लेकिन सीजनल बहुत सारे रिवर हैं तो ये लेक्स भी सीजनल होता है अगर यहाँ पे पानी सही से नहीं भरा तो ये ऑपरेशन हो के पूरी तरह ख़त्म हो जाता है ठीक है दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दे आर मोस्टली टाइम्स दे आर सॉल्ट वाटर लेक सॉल्ट वाटर लेक अब कैसे बनता है फॉर एग्जाम्पल अभी दिखाया आप लोगों को एम्पाउंडमेंट कैसे क्रिएट हो जाता है उस इम्पाउंडमेंट अभी क्रिएट नहीं हो गया वो बहुत पहले ही क्रिएशन किया गया अब उस लेक में कभी कभी पानी सूख भी जाता है कभी कभी पानी आ भी जाता है तो उसके निचले बेड पे डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे क्लोरीन की डिपोज़िशन बहुत हो जाता है तो सम टाइम वहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन की डिपोजिशन है उसके धीरे धीरे वो लेक एक सॉल्ट लेक में चेंज हो जाता है लेकिन सम मोस्ट ऑफ द टाइम बोला हुआ है पूरा कंटिन्यूसली नहीं बोला है मोस्ट ऑफ़ द टाइम दे आर सॉल्ट वाटर लेक ज़्यादातर सॉल्ट वाटर लेक वहाँ पे पाया जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस नेचुरल लेक्स दे आर लेक विच आर कंस्ट्रक्टेड बाई ह्यूमन नोन एज ह्यूमन आर्ट इसी इसको बोला गया है या आर्टिफिशल लेक बोलते हैं या ह्यूमन बेड लेक बोला जाता है ख़ासकर नेचुरल लेक्स भी बनते हैं और बाद में यहाँ पे क्रिएशन ह्यूमन भी ऐसे लेक की बहुत सारे क्रिएशन किया गया सो हमारे यहाँ से लेक का जो चैप्टर है वो खास कर ख़त्म हो जाता है इसके बाद ड्रेनेज रिवर की पोल्यूशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा समझाएंगे फिर हमारा ये वाला पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है होप आप लोगों ने पूरा चैप्टर को पढ़ा होगा सही से समझा होगा चैप्टर को फिर इसके बाद नेक्स्ट हम जो क्लाइमेट सिस्टम हो या हमारे पास जो ख़ास कर इकोनमिक्स वाला पोर्शन हो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं तब तक आप लोग ये पूरा देख लें पूरा कॉपी बना लें जिन्होंने नहीं बनाया है मैंने बहुत सारे उनका कॉपी अभी लाने के लिए कहा मैंने उनका मार्क्स चढ़ा के दिया हुआ है अगर आप लोगों को फिर से मोहलत देता हूँ आप लोग सही से पढ़ लें सही से कॉपी लिख लें और भेज दें मुझे ताकि आप लोगों को सही से मार्क्स में मिल पाएँ ठीक है थैंक यू